हेलो यूट्यूब फैन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है पार्थ लकड़ावाला ब्लॉग के डांस मुंबई। सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करते रहिए ताकि मेरे जो नए नए नोटिफिकेशन से आप लोग को मिलते रहेंगे। यूट्यूब फ्रेंड्स, पूर्णिमा मुसब जी आज नई बात करने वाली है शाद पे, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, आज से श्राद्ध के पवित्र दिन शुरू हो गए हैं। सुबह से मैं इतना वीडियो देख चुकी हूं कि कोई तो श्राद्ध पे बोलेगा, लेकिन मेरी जो इच्छा थी वो मुझे सुनने को नहीं मिला। लगता है आजकल लोगों में धार्मिक भावना कम हो गई है और लोग धर्म के प्रति, समाज के प्रति अपनी भावनाएं कम प्रकट करने लगे हैं। चलो जो भी है, मैं तो अपना फर्ज बजाऊंगी, आपको जानकारी दूंगी कि श्राद्ध में क्या क्या करना चाहिए, श्राद्ध के दिन क्यों पवित्र होते हैं, श्राद्ध पक्ष की पवित्र बातें, भाद्रपद पूनम से अमास तक का समय श्राद्ध पक्ष कहलाता है, पितृ पक्ष भी कहलाता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करता है। इससे ही सब संबंधों का निर्माण होता है, सर्जन होता है। यही संबंधों के सर्जन में से श्राद्ध की प्रक्रिया अस्तित्व में आई है। हम आत्मा की शांति के लिए, पूर्वजों के आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध में तर्पण करते हैं। 16 दिन का श्राद्ध पितृ की शांति के लिए किया जाता है। फल फूल पूजा सामग्री से पूजा करके अन्न मिष्ठान ब्राह्मणों को खिला के दान धर्म करते हैं, उसको श्राद्ध कहते हैं। इन दिनों में कोई भी अच्छे काम नहीं होते हैं अथवा नहीं किए जाते हैं और पितरों की प्रसन्नता के लिए ही सब काम, पूजा विधि, सब दान धर्म किए जाते हैं। उनके आशीष प्राप्त करने के लिए ऐसे दान धर्म के काम किए जाते हैं। महाभारत, विष्णु पुराण, वायु पुराण, सब उपनिषदों में श्राद्ध का महत्व दिखाया गया है। हर एक आदमी को अपनी जिंदगी में 5 महायज्ञ तो करना ही चाहिए। उसमें पहला देव यज्ञ है, दूसरा ऋषि यज्ञ है, तीसरा पितृ यज्ञ है, चौथा भूत यज्ञ यानी के पशु पक्षी प्राणी के लिए, और 5वां अतिथि यज्ञ। हर एक गृहस्थ का फर्ज बनता है कि श्राद्ध में पितृ यज्ञ से पितृ प्रसन्न होके आशीर्वाद देते हैं। विदेशों में भी ये श्राद्ध कर्म सब लोग करते हैं। पितरों का गोत्र, नाम और मंत्र कहने से और श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। समय अनुसार श्राद्ध करने से कोई दुखी नहीं रहता। गाय की, पशु पक्षी की सेवा करनी चाहिए। श्राद्ध में चांदी, तल, वस्त्र,
कंबल, अन्न आदि का दान कर सकते हैं। पितरों के शुभाशीष प्राप्त करके सबको सुख और शांति मिलेगी। जो भी कीजिए मन से, भाव से, श्रद्धा से कीजिए। आप सभी लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो पे, न्यू ब्लॉग पे। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।